हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो गाइस आज का जो सेट है इट्स अ वेरी डूएबल सेट। ठीक है, परसेंटेज पे आपका डिपेंड करता है ये पूरा सेट। ठीक, और मैं बोलूंगा इसको अगर लेवल की बात करो इट्स एन इजी डूएबल सेट। ठीक है, इजी से थोड़ा सा आप उसको ज़्यादा ले सकते हो। ठीक, इसमें आपका बेसिक कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन भी इसकी कोई ज़्यादा डाइसी नहीं है, है ना। बट आपको लैंग्वेज थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे कि एक्चुअल में ये टेबल या जो भी आगे इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बोलना चाहते हैं। ठीक, तो अगर आपने इनिशियल स्टेज पे लैंग्वेज थोड़ा सा आप इंटरप्रेट कर लेते हो तो आराम से आप इस सेट को कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक, तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, वैसे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट पर दिक्कत आती है तो तब जाके आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो चलिए एक बार सेट में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैंने गाइस हिंदी में भी आपको दिया हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको हिंदी में देखना चाहिए है ना, तो आराम से देख सकता है। लैंग्वेज बहुत आसान है, आप हिंदी में देखो इंग्लिश में देखो बराबर है, कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं। ठीक, तो हिंदी वाले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना, ताकि आपको बार बार इसको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इस पे इंटरप्रिटेशन क्या क्या इसका दिया हुआ है। इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिक्स स्टूडेंट्स माहिशा प्रिंसी सीमा मनीषा माहिशा यस सॉरी दिस इज माहिशा एंड दिस इज मनीषा मिनी आशिया हैज रिटन द फॉलोइंग थ्री पेपर्स। तो एक एग्जाम है जिसमें आपके थ्री पेपर से कौन कौन सा जेनेटिक्स है, हीट ट्रांसफर है और क्या दिया हुआ आपको इम्यून। ठीक, तो सिंपल थ्री सब्जेक्ट है। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं उनके जो किसी भी एक स्टूडेंट ने अगर आपके ऑप्टेन किए होंगे तो जेनेटिक्स का स्कोर प्लस आपका हीट ट्रांसफर का और नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आएगा इम्यूनोलॉजी का। ठीक है, द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एक्सटर्नल्स एंड इंटरनल्स। तो गाइस सिंपल है, हर सब्जेक्ट का आपका एक्सटर्नल इंटरनल होगा। अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स में आपका एक जो भी स्कोर होगा एक एक्सटर्नल होगा, एक क्या होगा मेरे पास इंटरनल। ऐसे मेरे पास हीट ट्रांसफर का भी होगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ऐसे मेरे पास इम्यूनोलॉजी भी होगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक, तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है तीन सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के दो पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब वो क्या बोल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। पार्ट वन एंड पार्ट टू क्या डिनोट किया इसने। ठीक, द एग्जामिनेशन ओके, द टेबल गिवन बिलो शोज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टूडेंट इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, पार्ट वन क्या बोल रहा है, इस लाइन को आपको जो थोड़ा सा अच्छे से इंटरप्रेट करना है। इट इंडिकेट्स द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन दैट पेपर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल स्टूडेंट पुट टुगेदर इन दैट। गाइस देखो इस लाइन को समझो, देखो वो क्या बोल रहा है कि वो परसेंटेज जो टोटल मार्क्स आपके जो आए हैं स्टूडेंट के उस पेपर में आउट ऑफ कितना, किसके रिस्पेक्ट में आपका परसेंटेज दिया हुआ है, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यानी जो टोटल सिक्स के सिक्स स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल स्कोर मिला के जो भी आया हुआ है उस परसेंटेज के रिस्पेक्ट में आपको। ठीक है, चलो एक बार इसको समझ लो। देखो जेनेटिक्स मेरे पास तीन सब्जेक्ट हैं, जेनेटिक्स और वट एवर दिस इज हीट ट्रांसफर और मेरे पास इम्यूनोलॉजी। ठीक, मुझे टोटल मैंने मान लिया कि टोटल जेनेटिक्स में अगर मैं पेपर वन की बात करूँ, टोटल जेनेटिक्स पेपर वन नहीं सॉरी एक सब्जेक्ट की बात करूँ, जेनेटिक्स में टोटल स्कोर मुझे नहीं पता, सारे स्टूडेंट्स का मैंने मिला के जेनेटिक्स में मान लिया टोटल स्कोर था जी। ठीक है, लेट अस सपोज कि जेनेटिक्स में टोटल स्कोर कितना दिया होता, मुझे 500 दिया होता। ओके, अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं कि माहिशा का स्कोर कितना दिया होता, तो पार्ट वन दिखा रहा है ना, माहिशा का स्कोर वो है टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं 6 के 6 का जो टोटल स्कोर है उसका कितना परसेंट आप निकालोगे, 30%। तो मैं ये बोल सकता हूँ माहिशा का जेनेटिक्स में स्कोर मेरे पास कितना दिया होगा, 1। ठीक है, एक बार और देख लें, सपोज अगर मैं बात करूँ मनीषा की, तो मनीषा का जो स्कोर होगा इसका कितना परसेंट होगा, 10% होगा, यानी टोटल 6 के 6 स्टूडेंट्स का उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या दिया होगा परसेंटेज। तो एक बार देख लो मनीषा का अगर स्कोर देखते हैं, दिस इज 10%, 10% ऑफ 500 कितना होता है मेरे पास। ठीक गाइस, अब जेनेटिक्स में जैसे मैंने मनीषा की माहिशा की बात करी, सॉरी माहिशा का 30% था, ये जेनेटिक्स में इसका स्कोर दिया होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पता है आगे एक और इन्फॉर्मेशन है पार्ट टू है ना, अब मुझे पता है कि एक बाइफर्केशन इसने दिया हुआ, जेनेटिक्स में माहिशा का जो स्कोर था वो 150 था, उसमें कितना पार्ट उसका इंटरनल स्कोर है कितना एक्सटर्नल स्कोर है वो भी एक अलग से बाइफर्केशन इसने दिया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट पार्ट इसने वही बोला है, नेक्स्ट पार्ट टू क्या डिनोट कर रहा है, इट इंडिकेट्स अ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट
इन इंटरनल्स, इंटरनल्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर बाय अ स्टूडेंट इन दैट सब्जेक्ट। तो गाइस सिंपल है, माहिशा का मैंने माना था 500 टोटल था सबका मिला के जेनेटिक्स में, उसमें से माहिशा का स्कोर कितना था 30%, 150 है। अब सेकेंड पार्ट जो डिनोट करता है वो क्या कह रहा है कि माहिशा का जो भी स्कोर आया हुआ है ना, उसमें से जो 20% स्कोर है वो उसने इंटरनल्स में अटेंड किया हुआ। तो गाइज सिंपल है ना, अगर माहिशा का जेनेटिक्स में स्कोर 150 है, 20% अगर आप इंटरनल्स में आपका क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली 80% आप किसमें इंक्लूड करोगे, आपके एक्सटर्नल्स। तो सिंपल है, 150 पहले एक पर्टिकुलर आप पर्सन का निकालोगे, 15 × 30 = 30 हो गया, 15 × 8 = 120, 120 मार्क्स उसका किसमें हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल्स। ठीक, तो अगर ये बाइफर्गेशन आपको क्लियर है, क्लासिफिकेशन ठीक है, पार्ट वन क्या कह रहा है, पार्ट टू क्या कह रहा है आपको, तो दिस इज वेरी यू नो नॉर्मल सा ट्री परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, जो बहुत बार शायद आप लोगों ने किया होगा। ठीक, तो मुझे पता चल गया पार्ट वन पार्ट टू किसी भी स्टूडेंट का क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है गाइज, तो बट मुझे ये सिर्फ परसेंटेज ही, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे भी नहीं दिया हुआ कि भाई जेनेटिक्स में टोटल स्कोर या किसी पर्सन का स्कोर या टोटल स्कोर सारे स्टूडेंट्स का मिला के कितना था, एचटी में कितना दिया हुआ है, इम्यूनोलॉजी में कितना दिया हुआ, वो मुझे नहीं पता। तो ऑब्वियस है हर बार शायद वैल्यू चेंज करे क्वेश्चन में कुछ दिएगा, तो शायद हम एग्जैक्ट डाटा निकाल सकते। ठीक, तो एक बार हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मुझे ये तो पता चल गया इसमें परसेंटेजेस का क्या क्या रोल है। पार्ट वन जो दिखाता है वो पूरे सब्जेक्ट का, एक पर्सन के सब्जेक्ट्स का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्कोर दिखा रहा है जेनेटिक्स का। ठीक है, पार्ट सेकंड दिखाता है उसका परसेंटेज, कितना परसेंटेज उसका इंटरनल्स में आया है। ठीक है, और रेस्ट जो बचा हुआ परसेंटेज होगा वो किसमें हो जाएगा, एक्सटर्नल्स में हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय मनीषा इन द इंटरनल्स, गाइस इंटरनल्स की बात कर रहे हैं, इन द इंटरनल्स ऑफ ऑल थ्री सब्जेक्ट्स जेनेटिक्स एचटी आईएम इन दैट ऑर्डर। ठीक है, तो दैट ऑर्डर मतलब पहले जेनेटिक्स होगा, एचटी होगा, फिर आईएम होगा, 9:3 and 4 की रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस मुझे टोटल तो डाटा नहीं दिया हुआ, बट मुझे क्या है कि जेनेटिक्स का कनेक्शन, हीट ट्रांसफर का कनेक्शन, इम्यूनोलॉजी का कनेक्शन मुझे मिल गया। तो सिंपल अगर कनेक्शन मिला रेशो में, तो मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दिया हुआ है ना, परसेंटेज या रेशो व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ परसेंटेज और रेशो में ही चीजों को निकाल सकता हूँ। तो सिंपल है, एक कनेक्शन अगर मुझे मिल गया किसी भी एक स्टूडेंट का है ना, तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के, तो मैं किसी भी स्टूडेंट का कोई सा भी कनेक्शन निकाल सकता हूँ, वेदर इट इज जेनेटिक्स, ट्रांसफर या इम्यूनोलॉजी। ठीक, तो चलिए मांग क्या रहा है एक बार देख लेते हैं। इसमें इंटरनल्स का कनेक्शन आपका दिया हुआ इन दैट ऑर्डर ये है, तो फाइंड द रेशियो मार्क्स ऑब्टेंड बाय माहिशा, मनीषा का दिया हुआ है, माहिशा का मांग रहा है एक्सटर्नल। ठीक है, तो गाइस निकल जाएगा, पहले आप कनेक्शन देखो है ना, एक बार आप इसको समझ लो। ठीक है, हालांकि मुझे लगता नहीं शायद कोई दिक्कत आपको इसमें होनी चाहिए, बट फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो एक बार आप देख लीजिए इसको। पहले आप देखो कि जेनेटिक्स में, गाइस समझना, जेनेटिक्स में मनीषा का स्कोर जो दिया, मनीषा का स्कोर कितना दिया हुआ है, 9 है ना। तो एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, मैंने मान लिया इसको कितना मान लिया, 9। अब आप समझो कि क्या माहिशा का, मनीषा, गाइस आई एम जस्ट लिटिल कंफ्यूज, दिस इज मनीषा। ठीक है, मनीषा का मुझे दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट माहिशा, माहिशा का निकालना है, मनीषा का आपको देखना है, मनीषा। ठीक, तो गाइस सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता कि टोटल स्कोर जेनेटिक्स में कितना हुआ। समझना, जैसे टोटल स्कोर मैंने जेनेटिक्स में मान लिया सब स्टूडेंट्स का मिला के जीन, ठीक है, समझना, उसमें से मनीषा का जो स्कोर है वो कितना परसेंट मुझे दिया हुआ, 10%। ठीक, तो ये मेरे पास मनीषा का स्कोर निकल कर आ गया है किसमें, जेनेटिक्स। अब इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा इंटरनल्स, एक क्या होगा, एक्सटर्नल्स। तो गाइस सेकेंड पार्ट वो क्या दिखा रहा है कि मनीषा का जेनेटिक्स में जो इसका इंटरनल स्कोर है वो कितना परसेंट है, 30%। किसका 30%, जितना भी जेनेटिक्स में टोटल स्कोर आया होगा मनीषा का। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, पहले मैंने क्या माना, जेनेटिक्स में टोटल 6 के 6% का जीन था, उसका 10% अगर आप निकालते हो तो मनीषा का स्कोर आता है। उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दिया हुआ, तो इंटरनल में कितना परसेंट स्कोर है, 30%, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल में कितना परसेंट स्कोर होगा, 70%। गाइस मुझे अभी काम करना है किस पे, इंटरनल। तो कैन आई राइट डायरेक्टली कि जीएन टोटल था है ना, उसमें से 10% निकाला, फिर उसका मैंने कितना परसेंट निकाला, 30%, ये वाला जो स्कोर आएगा कितना आएगा, 9। ठीक, तो यहाँ से मुझे जेनेटिक्स में 6 के 6 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो या परसेंटेज जो भी है। तो गाइस सिंपल है, वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, दिस इज 3% ऑफ जेनेटिक्स टोटल इज 9x, जेनेटिक्स में टोटल स्कोर आपका निकल गया, दिस इज वॉट
नाइन एक्स बाई थ्री देन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड, थ्री टाइम्स आ रहा है, दिस पार्ट इज इक्वल टू 300x मेरे पास। ठीक, अब मेरे पास जेनेटिक्स अगर टोटल स्कोर आ गया 300x, तो मैं किसी भी स्टूडेंट का निकाल सकता हूँ, है ना। ऐसे ही आप एच टी हीट ट्रांसफर का निकाल लीजिए। हीट ट्रांसफर में मनीषा मनीषा दिया हो, मनीषा, यस दिस इज मनीषा, 5% है, तो हीट ट्रांसफर में आप स्कोर देख लो 5%। ठीक है, टोटल 6 के 6 का मिला के मैंने माना था एच टी, उसका 5% निकाला। फिर इंटरनल्स में कितना दिया हुआ है, इस पार्ट का 10%। तो नाउ द वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स, दिस इज 3x, यस दिस इज 3x और दिस इज 1/10, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, 1/5 कितना होता है, 1/20, दिस इज 3x HT। तो HT में टोटल स्कोर आपका आ गया 3 इंटू, दिस इज 200 इंटू 3, दिस इज व्हाट, 600 pixels। ओके, तो ऐसे आप इसमें निकाल दो, इम्यूनोलॉजी में निकाल दीजिए। इम्यूनोलॉजी में आप देखो स्कोर कितना आ रहा है मनीषा का, दिस इज 10%, 10% ऑफ इम्यूनोलॉजी। फिर इंटरनल्स में भी कितना है, 10%। तो गाइस सिंपल है, 10 का 10% यानी 1%, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 4x, 100 की वैल्यू आप निकाल दो, दिस इज 400x आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे तीनों के टोटल में आपका क्या पता चल गया, कनेक्शन पता चल गया। ठीक, तो चलिए मैं हटा देता हूँ एक बार इसको, है ना, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए। ये यहाँ से आप कैलकुलेशन देख सकते हो, है ना। अब मुझे टोटल पता चल गया, मुझे कौन से स्टूडेंट का इंटरनल एक्सटर्नल व्हाटएवर जो भी मुझे निकालना होगा, अब मैं उसको आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक, मुझे किसका निकालना है, माहिशा का एक्सटर्नल्स निकालना है इसी सब्जेक्ट में। तो अब आ जाओ माहिशा पे। अब गाइस समझना, रेशियो मुझे चाहिए इसका। तो पहले आप देखो जेनेटिक्स में सबका टोटल कितना दिया हुआ है, 300x, है ना। उसमें से माहिशा का स्कोर कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ जेनेटिक्स में, दिस इज व्हाट 30%। तो 30% आया जेनेटिक्स में। अब इसमें कुछ पार्ट होगा इसका, इस वाले का, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 30% ऑफ 300x, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें कुछ पार्ट इंटरनल है, कुछ पार्ट क्या दिया हुआ मुझे, एक्सटर्नल। तो मुझे किस पर जाना है, एक्सटर्नल्स। मुझे दिया क्या है, 20% अगर उसका स्कोर इंटरनल्स में होगा तो 80% किस में होगा, एक्सटर्नल्स। सिंपल है, इसका मैं सीधा निकाल सकता हूँ कितना परसेंट, 80%। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा, शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट आप आ जाओ हीट ट्रांसफर पे। हीट ट्रांसफर में कितना मुझे दिया हुआ था, हीट ट्रांसफर का जो स्कोर था टोटल कितना दिया हुआ था, 600x। 600x का 25% निकालो, ठीक है, दिस इज 25% ऑफ अस, है ना। फिर मुझे जैसे मर्जी आप ट्रीट कर लो, फिर उसका कितना परसेंट निकाल दो, 10% निकाल दो। ठीक है, कितना, 600x का, आई होप, सॉरी 25% मैंने निकाला, है ना गाइस, 25% मैंने निकाला 600x का। तो वो क्या आया, हीट ट्रांसफर में माहिशा का स्कोर। अब मुझे इंटरनल्स नहीं चाहिए, मुझे एक्सटर्नल्स चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट 10%, दिस इज व्हाट, 90%। ठीक है, इसका रेशियो मैं फिर दोबारा निकालूंगा, 25% इम्यूनोलॉजी यानी कितना है, 400x। तो 25% आप निकालो 400x का। उसके बाद इंटरनल्स में अगर 10% है तो एक्सटर्नल में कितना परसेंट होगा, 90%। ठीक, तो सिंपल है, xx जा रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा गाइस। तो 3 0 आप यहां से हटा दो, हर एक में 3 0 से। तो अगर मैं 3 0 हटाता हूँ, 1 2 3, दिस इज 8 × 3 कितना आ जाएगा, 30। दिस इज रेशियो, दिस इज व्हाट, दिस इज 9 × 25 एंड दिस इज 9 × 25 × 4। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 × 3 9, 9 ये गया, 9 ये गया, तो मेरे पास यहाँ कितना आ गया, 80, है ना। और ये मेरे पास कितना बचेगा, 25, और यहाँ पर मेरे पास जो था 600 यानी 6 था, तो दिस इज 150 एंड यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपका कितना आया, दिस इज 100। गाइस सिंपल है, फिर आप 10 से डिवाइड कर दो, 0 से डाल दो, देन द रेशियो इज 8:15, दिस इज 15, 8:15 कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आपको ये पता चल रहा है कि भाई मुझे पार्ट वन पार्ट टू में क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं इसको बेसिक कैलकुलेशन बस रह जाती है ना, और थोड़ा बहुत कनेक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आराम से उस पर डील कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आप आ जाओ, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए नेक्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है इसमें। द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय जिमी, सॉरी मिनी, इन जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी आर, तो जेनेटिक्स में मिनी का फिर कनेक्शन दिया, जेनेटिक्स का और इम्यूनोलॉजी का सेम दिया। तो टोटल की बात की है यहाँ पे, इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं की।
देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज सिक्स हैव द टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन जेनेटिक्स जीएन इज मोर देन ट्वाइस द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन आईएन. तो गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, आपको बस थोड़ा सा इंटरनल एक्सटर्नल का ध्यान रखना होता है, बट इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है टोटल. तो आप देखो मिनी का टोटल जेनेटिक्स का स्कोर, तो पहले जेनेटिक्स में मुझे टोटल सबका मैंने मान लिया जेनेटिक्स का जीन, ठीक है, उसमें से मिनी का जो स्कोर था, मिनी का कितना था 20%, ये आया मिनी का स्कोर जेनेटिक्स में. ये वाला स्कोर सेम है आईएम, आईएम मतलब इम्यूनोलॉजी, उसमें कितना परसेंट दिया हुआ है इसका 30%. तो गाइस सिंपल है, 30% किसका, इम्यूनोलॉजी का, है ना. और ये देख लो जीएन ओवर आईएम का रेशियो आ गया मेरे पास कितना, 3/2. अब यहाँ से मुझे एक तरीके से एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मांग रहा, आप उसको कुछ भी लेटे 3x 2x ले लो, या मैं क्या ले लेता हूँ, जेनेटिक्स में सबका टोटल मिला के स्कोर 300 था और इम्यूनोलॉजी में कितना दिया मैंने, ठीक है. अब मुझे जेनेटिक्स का अगर 300 है और इम्यूनोलॉजी का मुझे कितना दिया हुआ है 200, तो अब मुझे वही चेक करना है कि जेनेटिक्स का जो स्कोर है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेनेटिक्स का स्कोर इम्यूनोलॉजी के स्कोर से, जेनेटिक्स शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ यानी इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का दुगने स्कोर से ज्यादा स्कोर कितने स्टूडेंट्स का जेनेटिक्स में. तो गाइज आप चाहो तो उसको रेशियो से कर लो, है ना, या परसेंटेज से कर लो, ठीक है. मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका कर रहा हूँ ताकि कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए. तो ठीक है, अब आप देख लो महिषा का, सब स्टूडेंट्स का चेक करना पड़ेगा. महिषा का जेनेटिक्स में हर एक स्टूडेंट का देख लेता हूँ, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं ना, टोटल मार्क्स स्कोर बाय देम, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल की बात है नहीं, तो सिंपल है 300 है समझना. जेनेटिक्स में इसका स्कोर कितना 30% ऑफ 3 × 3 कितना आ जाएगा, नहीं, तो एक मैं लिख देता हूँ 30% ऑफ 300 यानी कितना आ गया मेरे पास 90. महिषा का स्कोर जेनेटिक्स में 90 है, एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है. तो इसका इम्यूनोलॉजी में आप देखो, यानी फर्स्ट पार्ट टोटल डिनोट कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 25% निकालना है 200 का, 25% 200 का कितना होता है 50. क्या ये जेनेटिक्स इसके 50 यानी 90 जो वैल्यू है, 90 क्या 250 से ज्यादा है, नहीं गाइस, तो ये वाला पर्सन नहीं, ठीक है. तो एक मैंने बता दिया, अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, दिस इज 10% ऑफ 300 यानी कितना आ गया 30, एंड दिस इज 20% ऑफ 2 × 2 कितना आ गया 40. गाइस ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मुझे जेनेटिक्स का ज्यादा करना है, ठीक है. हालांकि इससे कुछ बात नहीं है, वैसे भी चेक कर लो, ज्यादा है डबल से ज्यादा नहीं है, तो सिंपल हटा दिया. नेक्स्ट आप आ जाओ, दिस इज 15%, 15 दिया कितना हो गया 45, और दिस इज व्हाट 10% ऑफ 200 कितना हुआ 20. यस गाइस ये आपका इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि जो 45 है वो ग्रेटर है किससे, ट्वाइस ऑफ 20 से, 45 इज ग्रेटर देन 40, यस. तो एक जो सीमा का स्कोर होगा वो इस रेंज में आपका होगा जो भी वो मांग रहा है कंपैरिजन, ठीक. नेक्स्ट आप आ जाइए मनीषा, दिस इज 10% ऑफ 300 कितना होता है 30, और यहाँ पे 10% ऑफ 200 कितना होगा 20. गाइस ये नहीं होगा, ये भी हाथ हटा दो, 20% ऑफ 300 3 × 2 कितना आ गया 60, एंड दिस इज इम्यूनोलॉजी 30% लेट मी चेक, 20% ऑफ 300 3 × 60 एंड 30% ऑफ 3 × 2 अगेन 60, दिस इज कैंसिल आउट अगेन. 15% ऑफ 300, 15% ऑफ 300 15 × 3 = 45, दिस इज 45, और दिस इज 5% ऑफ 5 × 2 = 10. गाइस ये भी इंक्लूड करूंगा, 45 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 10, ठीक है, 45 ग्रेटर है 20 से, डबल से ज्यादा है, ठीक. तो गाइस ऐसे मेरे पास कौन कौन से स्टूडेंट होंगे, सीमा होगी और आशी होगी, जिनका जेनेटिक्स का जो स्कोर है वो ट्वाइस ऑफ इम्यूनोलॉजी से क्या है. तो इसने मांगा क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही मांगे ना, नंबर्स कितने स्टूडेंट है, तो मेरे पास 2 स्टूडेंट, ठीक है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है, वही सेम चीज देखिए, अगर पार्ट वन पार्ट टू में कैसे आप परसेंटेज जो भी दिया हुआ, अगर वो आप आराम से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ आशी स्कोर 20 मार्क्स इन इम्यूनोलॉजी एंड 45 इन एंट्रेंस. तो गाइस अब जाके इसने एक एग्जैक्ट डाटा दिया, अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर मुझे स्कोर पता है तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ. नाउ आई एम एबल टू फाइंड आउट द इम्यूनोलॉजी स्कोर ऑफ एनी स्टूडेंट एंड हीट ट्रांसफर स्कोर ऑफ एवरी एयर स्टूडेंट, ठीक है, किसी का भी मैं हीट ट्रांसफर और आईएम में स्कोर निकाल सकता हूँ. देन फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन इंटरनल्स ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, इंटरनल्स ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स यानी फाइंड द मार्क्स स्कोर सम सम, ठीक है, देख लेना, शायद मैं लिखना भूल गया, इन दोनों का, हर स्टूडेंट का, दोनों का क्या निकालना है आपको, सम निकालना है.
हर स्टूडेंट का इम्यूनोलॉजी में और हीट ट्रांसफर में, सारे स्टूडेंट्स का इम्यूनोलॉजी में और सारे स्टूडेंट्स का हीट ट्रांसफर में कितना कितना स्कोर था इंटरनल्स में, सॉरी इंटरनल्स में आपको ठीक है। तो एक कनेक्शन मुझे दिया हुआ है, यहां से आप देखो कि आशी का 20 है स्कोर किसमें, इम्यूनोलॉजी में, समझना दिस इज आशी, आशी इम्यूनोलॉजी ये आया, उसका स्कोर 20 मार्क्स दिया हुआ। तो आशी का स्कोर इम्यूनोलॉजी में कितना परसेंट है, 5%। गाइस टोटल 6 स्टूडेंट्स के इम्यूनोलॉजी में स्कोर आपका मैंने माना आई एम, उसका आपने निकाला 5%, वो कितना दिया हुआ है 20। सिंपल है, इम्यूनोलॉजी में आपका टोटल स्कोर निकल जाएगा, दिस इज 5 का 4 टाइम्स जाएगा और 100, दिस इज 400। तो टोटल मुझे 400 स्कोर पता चल गया इम्यूनोलॉजी। ऐसी आशी का जो स्कोर था हीट ट्रांसफर में कितना दिया हुआ, 45। आशी हीट ट्रांसफर वेज हीट ट्रांसफर दिस इज 45, दिस इज 30%। ओके लेट मी चेक, आशी हीट ट्रांसफर, टोटल हीट ट्रांसफर नहीं पता उसका 30% आप निकाल दो, दिस पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस पार्ट इज इक्वल टू 40, तो HT आप निकाल दोगे, तो दिस इज 45/30 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है 15, 2, 3, 150, 1.3, 150, ठीक। अब आपको हर एक स्टूडेंट का इन दोनों सब्जेक्ट्स के इंटरनल में स्कोर निकालना है, सबका सम निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा इम्यूनोलॉजी टोटल है 400 और हीट ट्रांसफर आपका कितना दिया हुआ है 1000, तो मैं इसको हटा देता हूँ, बेसिक कैलकुलेशन है ठीक है, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। टोटल ध्यान रखिएगा 400 तो ये था और यहाँ पर कितना था ठीक, और इसने क्या बोला है कि ऑल मार्क्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन हैव टू बी इंटीजर, सो राउंड ऑफ एनी डेसिमल टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर, ठीक है गाइस। तो सिंपल है, पॉइंट्स में नहीं होगी है ना, जो भी मुझे वैल्यू चाहिए होगी उससे मैं क्या ले लूंगा, हायर इंटीजर ले लूंगा। लेट अस सपोज मेरे पास 5.4 आता है या 5 पॉइंट कुछ भी आता है, तो पॉइंट इससे नेक्स्ट हायर इंटीजर लेना है, 5.4 नहीं, 5 से हायर इंटीजर कितना हो गया मेरे पास 6 में ठीक। तो चलिए एक काम मैं बता देता हूँ, आप इसका देख लो, जैसे माहिशा का स्कोर इंटरनल्स में चाहिए, तो सबसे पहले माहिशा का स्कोर आप टोटल निकालोगे 25% ऑफ 150, 25% यानी 160 का निकालता 42.5, दिस इज 37.5। ये जो आया माहिशा का स्कोर किस में आया, हीट ट्रांसफर में आया, उसमें से मुझे किसका चाहिए आपका इंटरनल्स का चाहिए, तो इस डाटा का कितना परसेंट निकालूंगा, फिर से मैं 10% निकाल दूंगा, दिस इज 3.7। आई होप दिस इज क्लियर, इसका मैंने 10% निकाला, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, टोटल 150 था माहिशा का, 25% आपने निकाला 37.5 है, फिर उसका 10% आपने निकाला 3.75 है। अब मुझे नेक्स्ट हायर इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, 3.75 नहीं लूंगा तो मैं कितनी ले लूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए, हीट ट्रांसफर में कितना है 10%, इधर कितना परसेंट है 0%, इंटरनल्स में उसका स्कोर ही नहीं आया तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो 10%, 15 का 10% कितना हुआ 150 का 10% 15 का, फिर 10% आप लोगे तो कितना आएगा 1.5, तो 1.5 ना लेके मैं इसको कह लूंगा 2, दिस इज व्हाट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है 5% फिर 10%, तो 150 का 5% आप निकालो 15 × 75 7.5 ठीक है, और फिर आपको इसका कितना परसेंट निकालना है, जस्ट वेट, 150 का मनीषा का मैंने निकाला 5%, दिस इज 7.5, फिर मुझे इसका कितना परसेंट निकालना है 10%, 10% कितना गया 0.75, मतलब इसका स्कोर मैं कितना ले लूंगा 1, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है 20%, 150 का 20% यानी 150 का 20%, 15 × 30 यानी 30 में ले लूंगा, फिर इस 30 का कितना परसेंट निकालना है आपको 10%, यानी कितना लूंगा मैं 3। नेक्स्ट 150 का 30% कितना होता है 45, 150 का 30% कितना हो 45, 45 का 5% आपको लेना है, 45 को 5% यानी 5 से मल्टीप्लाई किया, दिस 2.25, दिस 2.25 नहीं लूंगा, 2.25 नहीं लूंगा, कितना लूंगा मैं 3 ले लूंगा, दिस इज 3, यस दिस इज 3, आई होप है ना, आई थिंक आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं ना, तो हीट ट्रांसफर में तो मेरे पास हो गया, इम्यूनोलॉजी पे आ जाओ, 400 का 25% आप लोगे 25, 100 का 10% हुआ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10, 20% 4 × 8 = 80, 80 का 5% 8 × 40 यानी दिस इज अगेन 4, 10% इन 0, 0 जहां आ गया 0 मेरे को लेना है, 10% 40, 40 का 10% कितना हो गया 4 ठीक है। हीट ट्रांसफर और इम्यूनोलॉजी ही था ना, 30% लूंगा मैं, 30% यानी कितना 120 का 25%, 120 का 4 × 3 = 12, 120 का 25% ये मतलब 30 मेरे पास है
ओके 5% लूंगा, 5% कितना है 20, 20 का 10% कितना आ जाएगा। ओके गाइस, तो बस आप ऐड कर दो सबका टोटल, हर स्टूडेंट का टोटल चाहिए इंटरनल इसमें, तो इसका जो टोटल आ गया कितना आ जाएगा 14। कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर लो, दिस इज 4 एंड दिस इज 2 और दिस इज 5, दिस इज 33 एंड दिस इज व्हाट 3 3 2 कितना आ जाएगा 14 4 18, 18 2 20 तो ये हो गया 5, 25, 25 और 5, 25 एंड 5 30, 33 एंड 30 दिस इज व्हाट 63 मेरे पास। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस, आपका स्कोर जो आना चाहिए कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए। ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो आपका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है तो आई थिंक एक बार चेक कर लो, नन ऑफ दिस इज 14 एंड 4, 10 टू 14 4, ओके 2 4 प्लस 1 5, 33 एंड 3 टू 5 गाइस 18, 20 20 और 5 5 30 63 एक बार आप चेक करना, 63 आपका आना चाहिए, नन ऑफ दिस इसका आंसर। ओके चलिए तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो हम लोग बोल देते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड बाय माहिशा, दिस इज माहिशा, मनीषा दिस इज माहिशा इन द इंटरनल्स ऑफ जी एन आर सेम एज दैट स्कोर्ड बाय प्रिंसी, प्रिंसी इन इंटरनल्स ऑफ आई। ठीक है तो गाइस सबसे पहले लिख लो माहिशा का जी एन के इंटरनल्स में, तो गाइस टोटल जी एन आपको नहीं पता था है ना, इसमें माहिशा का जो स्कोर है वो 30% जेनेटिक्स में। ठीक है उसका आपको क्या निकालना है, उसका इंटरनल्स, इंटरनल्स में कितना परसेंट है 20%, ये सेम है किसका, प्रिंसी का, किसमें इंटरनल्स ऑफ आई इम्यूनोलॉजी में, प्रिंसी, प्रिंसी आप आ जाओ दिस इज प्रिंसी, तो इम्यूनोलॉजी की बात कर रहा है, तो इम्यूनोलॉजी सबसे पहले टोटल इम्यूनोलॉजी स्कोर नहीं पता, दिस इज इम्यूनोलॉजी, उसका कितना परसेंट निकालोगे 25% है ना, तो जो भी आया उसका इंटरनल्स मुझे चाहिए, दिस इज फर्स्ट इंटरनल, उसका 10% में निकाल जैसे मर्जी आप। ठीक तो मुझे जेनेटिक्स का और इम्यूनोलॉजी का रेशियो मुझे पता चल गया, वट एवर दिस इज 25 into 10, यस दिस इज 25 into 10, ओके एंड दिस इज वॉट, दिस इज 25 and 10, सॉरी गाइज मैंने माहिशा का यहाँ पर ले लिया, मुझे जो लेना था सॉरी प्रिंसी का लेना था, किसमें लेना था आई एम इम्यूनोलॉजी, 20% फिर कितना परसेंट 5%, दिस इज 20% फिर मुझे कितना परसेंट लेना था 5%। ये थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन हो जाती है माहिशा प्रिंसी है ना। चलिए तो अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग कि मैंने माहिशा का इंटरनल्स में या जेनेटिक्स में 30% का 20%, 30% 20% ओके एंड प्रिंसी का मैंने लिया इम्यूनोलॉजी, प्रिंसी इम्यूनोलॉजी से 20% एंड 5%। ठीक है 25 into दिस इज 20 into 5, दिस इज 20 into 5 और कितना था 20 into 30, दिस इज 1/6, ये तो मेरे पास आ गया, वो मांग कह रहे हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल सिक्स स्टूडेंट पुट टुगेदर इन जेनेटिक्स, ये तो निकल गया एंड टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल सिक्स स्टूडेंट पुट टुगेदर इन इम्यूनोलॉजी, तो सिंपल हो गया ना गाइस, तो जेनेटिक्स में और इम्यूनोलॉजी में रेशियो जो कितना आ रहा है 1:6 आ रहा है। ठीक तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मेरे पास 1:6, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है तो एक आई थिंक 1:6 ही है, इसमें किसने माना है स्टूडेंट पुट टुगेदर इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में किसका लेना था माइस का। ठीक है 20 30 और दिस इज 20 into 5, ठीक है तो स्मॉलर है यानी 20 into 5 100 600, 1:6 जेनेटिक्स ओवर इम्यूनोलॉजी, दिस इज जस्ट वेट, दिस इज 6 times ऑफ जेनेटिक्स एंड 1 time ऑफ इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स ओवर इम्यूनोलॉजी is 1/6, तो रेशियो इज 1:6। ठीक है तो आई होप गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट था, बस थोड़ा सा है ना बार बार कैलकुलेशन करते हुए है ना, बस थोड़ा सा नंबर्स इधर उधर ना हो वो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं वो आपको थोड़ा सा। ठीक तो टिपिकल सेट था परसेंटेजेस का, जो आप बहुत टाइम बहुत बार आपने किया भी होगा है ना, परसेंटेज से परसेंटेज रिलेट करना, आप इसको कैसे डील करते हो रेशियो से वो आपके ऊपर चॉइस है, आप पे डिपेंड। ठीक है बस इसके पीछे का जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक जो जो इस क्वेश्चन को करना है, बेसिक एजेंडा है वो आपको क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर फिर भी आपको इस सेट में आई थिंक मेरी डाउट आता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आता है तो आप उस वीडियो से देख लीजिए, है ना, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है देन प्लीज कमेंट में, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, चलिए, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द, थैंक यू।